हम ये वैली टाउन पहुंच चुके हैं, एंटर कर रहे हैं गेट के अंदर। ये फ्रंट व्यू है इसका, ये गेट है एंट्रेंस। अभी यहाँ से बस हम अभी एंटर करते हैं। मुस्तफ़ा ने कॉकटू को बिठा लिया और ये भाई मकाओ लिए हैं। अलेक्सिस अलेक्सिस तोता है और ये भी बैठ गए हैं आराम से कंधे के ऊपर। सलवा देखिए यहाँ पे कॉकटू को प्यार कर रही है, बड़े मजे से ये प्यार भी करवा भी रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। और आज काफ़ी दिनों के बाद एक व्लॉग आने जा रहा है जो कि होगा बहरिया टाउन का। आज है सैटरडे का दिन, मौसम बहुत अच्छा है कराची में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में पिछले एक हफ़्ते से बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं जिसकी वजह से मौसम खासा खुशगवार हो गया है। तो आज छुट्टी का दिन था, बच्चों ने ज़िद करी कि चलें कहीं निकलते हैं, तो हमने सोचा चलें क्यों ना हम बहरिया टाउन होकर आ जाएँ। वहाँ पर कुछ जगहें हैं, कुछ स्पॉट्स हैं जो कवर कर सकते हैं बच्चों के साथ, खूब मज़ा आने वाला है। तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा और आपको लेके चलते हैं अपने साथ बहरिया टाउन। चलें हमारे साथ। गाड़ी में हवा थोड़ी कम लग रही है तो हमने कहा हवा चेक करवा लेते हैं, और लंबा सफ़र है तो हवा चेक करवाने के बाद पता चलता है। पेट्रोल फिलिंग करा लेते हैं, पेट्रोल कम है। और दोस्तों हम ये बहरिया टाउन पहुंच चुके हैं, एंटर कर रहे हैं गेट के अंदर। और दोस्तों ये हम चिल्की पार्क पहुंच चुके हैं, गाड़ी पार्क करते हैं फिर आप अंदर चलते हैं। ये बाहर से इस तरह से दिखता है चिल्की पार्क, ये पूरे अंदर केजेस बने हुए हैं, यहाँ गाड़ी हमने पार्क कर दी है। अच्छी बड़ी पार्किंग है यहाँ पे, बाहर आराम से आप अपनी गाड़ी से यहाँ पे आके यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। ये साइड व्यू है, केजेस बने हुए हैं अंदर पूरे, ये आप अंदर लेके चलते हैं। ये इसका फ्रंट व्यू है, ये सामने गेट है, यहाँ से एंटर करेंगे। ये फ्रंट व्यू है इसका, ये गेट है एंट्रेंस। अभी यहाँ से बस हम अभी एंटर करते हैं, टिकट्स ले रही हैं सानिया यहाँ से टिकट्स लेके, फिर हम गेट से एंटर करेंगे। ये टिकट प्राइसिंग की है अडल्ट 500 और बच्चों के 2 से 12 साल के बच्चों का 300। और ये हम अंदर एंटर कर गए। ये देखो मुस्तफ़ा ने कॉकटू को बिठा लिया और ये भाई मकाओ लिए हैं। मज़ा आ रहा है।
ये सेक्शन है बस का, यहाँ पर ये खुला है, उन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है बच्चों के लिए, जो भी चाहे अपने हाथ पे ले सकता है और उनको फीड करा सकता है। यहाँ पे खाने पीने की भी चीज़ रखी होती है, आप खुद से फीड करा सकते हैं। बच्चे इस पहले पार्ट पर बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स को आप आराम से लेकर फीड करवा सकते हैं। ये अंदर पाउंड बनाया हुआ है उन्होंने, अभी खाली है, यहाँ पानी होता है नॉर्मली। ये पूरी ओपन स्पेस है, काफ़ी बर्ड यहाँ पर ओपन घूम रहे होते हैं, इनके नेस्ट बॉक्सेस लगाए हुए हैं, जगह जगह इन्होंने नेस्टिंग की हुई होती है। ये देखें यहाँ पर इन्होंने इनके लिए फूड रखे हुए हैं, ये इनका दाना रखा हुआ है, ये देखेंगे ऊपर बैठे हुए हैं, दो मका उधर बैठे हुए हैं, एक मका उधर बैठा हुआ है, ये ग्रे पैरेट बैठा हुआ है, ये ग्रे पैरेट है, ये सुरखाब, दो सुरखाब हैं इधर अंदर ग्राउंड पे, एक ये है और एक और भी है पीछे। कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, ये इतना प्यारा बर्ड है, इसीलिए लोग कहते हैं कि सुरखाब के पर हैं तुम्हारे पास, तुम्हें सुरखाब के पर लगे हैं, यही वजह है माशाल्लाह। दूसरा सुरखाब बच्चों, मज़ा आ रहा है आप लोगों को, आप लोगों को मज़ा आ रहा है? हाँ, अमल आपको मज़ा आ रहा है? बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं, जगह जगह पैरट्स देख रहे हैं और उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह पैरेट्स बहुत अच्छे तरीके से फ्लाइंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा इनको एनवायरनमेंट दिया है यहाँ पे, नेचुरल एनवायरनमेंट दिया है और इनकी डाइट का खासा ख्याल रखा गया है, साफ़ सुथरा जगह जगह इनके नेस्टिंग बॉक्स लगाए हुए हैं। ये देखें, ये इनके देखें फ्रूट, ये इनके सीड्स, ये भी कुछ रखा हुआ है इनके लिए, और ये पानी, यहाँ जगह जगह लिख के लगाया हुआ है प्लीज डोंट फीड द बर्ड। ये देखें कितने प्यार से, कितने आसानी से यहाँ पे आ गया। सर आप हाथ पे लोगी, कंधे पे लोगी, गड़ लग जाए आपको, प्यार नहीं, प्यार नहीं, प्यार नहीं, चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे। ये देखें सलवा यहाँ पे इनको दाना फीड करवा रही है, सलवा आप फीड करवा रही हो, बच्चे ज़्यादा होने की वजह से वो तोता उड़ गया। अब ये देखें भाई, ये इनको पहचानते हैं, ये कह रहे हैं हम इनको फीड करवाते हैं तो ये हमें पहचानते हैं, अभी ऊपर से नीचे बुला रहे हैं, हाथ में इनके दाना है और तोता ऊपर चला गया है, इधर चाके बैठ गया ऊपर कहीं पे, देखते हैं कि वो तोता इनके बुलाने से आता है कि नहीं आता। ये भाई जा रहे हैं दूसरी तरफ, कह रहे हैं वहाँ तोते ज़्यादा बैठे हुए हैं, मैं वहाँ से लेके आता हूँ, अभी हाथ पे दाना दिखाएंगे और वो तोते इनके पास आ जाएंगे, फिर ये इधर हमारे पास लेकर आएंगे। सलवा यहाँ देखिए, सलवा यहाँ देखो, यहाँ देखो, कुछ नहीं करेगा।
ये देखिए सलवा ने अपने सर पे बिठा लिया। ये पहाड़ी तोता है, पैराकीट, अलेक्जेंड्रीन पैराकीट, और ये साथ में कॉकाटू बैठा हुआ है। ये देखें ये भाई कौन सा पैरेट लेकर आए मुस्तफ़ा के लिए, और मुस्तफ़ा के कंधे पे बैठा दिया। उसका नाम क्या नाम है? अलेक्टिस। अलेक्टिस तोता है, और ये भी बैठ गए हैं आराम से कंधे के ऊपर। बड़ा प्यारा तोता है भाई। ये देखेंगे मेरे हाथ पे भी आके बैठ गए इलेक्ट्रिक। माशाल्लाह बड़ा प्यारा तोता है, काफ़ी हेल्दी भी है। चलो आपको बैठाना है अपने हाथ पे, अपने हाथ लग गया, हाथ हाथ आगे लेकर, हाथ आगे लेकर, हाथ आगे लगा, हाथ चुभेगा लेकर। उड़ के चला गया है पिंजरे के ऊपर। अरे वाह मुस्तफा, यह तुम्हारा दोस्त बन गया है लग रहा है। भाई अम्मी ने उठा लिया है अपने हाथ पे, अम्मी को प्यार भी कर रही हैं। और उड़ के चला गया फ्रूट की तरफ। ये मुस्तफ़ा फीड करवा रहा है उसको, ये इनके लिए फ्रेश फ्रूट्स आ गए। भाई फ्रूट्स लेकर आए हैं। ये मुस्तफ़ा ने उस पैरेट को भी सर पे बिठा लिया। अरे संग नहीं करो उसको वरना उड़ जाएगा। देखा सलवा, देखिए यहाँ पे कॉकटू को प्यार कर रही हैं, बड़े मज़े से ये प्यार भी करवा भी रहा। सलवा उसका ताज निकाल लो, क्राउन, ये सब क्राउन इस तरीके से निकल आता है। कुछ भी नहीं कह रहा सलवा आपका, हैं आराम से प्यार करवा रहे। वाह मस्त सलवा। एक मकाओ यहाँ बैठा हुआ है, पूरा नेचुरल इन्वायरमेंट दे दिया हुआ है इन्होंने। कभी पैरेट्स इधर उड़ रहे हैं, कभी उधर उड़ रहे हैं। ये देखें यहाँ पर भी बैठे हैं। ये कॉकटू, मकाओ, मुस्तफा ने अमेजोन पैरेट को बिठाया हुआ है अपने ऊपर। ये अमेजोन पैरेट, ये मकाओ, नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, नहीं है ये देखो, नहीं काटेगा बेटा, ये बच्चे हैं। ये काफ़ी बड़े साइज का एक पहाड़ी तोता नज़र आया है, अलेक्जेंड्रीन पैराकीट से कहलाता है, लेकिन ये हाथ में नहीं आएगा, ये उड़ जाएगा। माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत हेल्दी है, और काफ़ी बड़ा साइज, काफ़ी बिग साइज का है। खाने में मशगूल है, कुछ लेकर आया खाने के लिए, और उड़ने के लिए तैयार लग रहा है, ये उड़ गया। एक और सुरखा स्पॉटेड छुप के बैठे हैं ये अंदर। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। एक सुरखा यहाँ पर है, खाने में मसरूफ है।
ये ना, ये वाइट और एक येलो बैठा था ना, ये रहा ऊपर, इधर आए, इधर देखें येलो, घर वाला कि घर वाला, ये देखें, ये एक पेयर है ये अपने नेक बॉक्स के अंदर, माशाल्लाह। ऐसा खूबसूरत बना रखा है इन्होंने ये बर्ड्स पार्क, और बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पर देखें इस तरीके के कुछ नेक्स बॉक्स लगाए हुए हैं इन्होंने, ये एक आर्टिफिशियल ट्री है, इसके ऊपर हैंग कर रखे हैं, आई थिंक इसमें छोटी छोटी बर्ड्स जाती होंगी, ये छोटे छोटे साइज़ के हैं, इसमें छोटी छोटी बर्ड्स जाती होंगी और छोटे मोटे पैरट जाते होंगे। हर तरफ इन्होंने इस तरह के बॉक्सेस लगाए हुए हैं। बच्चे यहाँ पे काफ़ी इंजॉय करते हैं, काफ़ी बिजी रहते हैं, जिसको जहाँ कोई पैरेट मिलता है उसको प्यार करना शुरू कर देता है, खिलाना शुरू कर देता है, और पैरेट्स काफ़ी यहाँ पे फ्रेंडली हैं, टेम्ड है ज़्यादातर, बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। लकड़ी बन कर रहे हैं भाई इम्तियाज ग्रॉसरी के लिए, रसाना हो गया। अरे दादी, अरे अरे हटे, अरे हटे, तो दोस्तों अभी बारिश शुरू हो चुकी है और चिल्पी बर्ड हमने पूरा घूम लिया है अच्छे से, बहुत मज़ा आया, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। अब मज़ीद बहरिया में और दो तीन स्पॉट्स हैं थे जहाँ मैं जाना था, लेकिन अभी बहुत तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है, तो बस अब हम लोग घर की तरफ वापस जा रहे हैं, और देखें रास्ते में कहीं कोई अच्छा रेस्टोरेंट अगर मिलता है तो वहाँ पर हम कुछ खाना खाएँगे और फिर घर की तरफ चलेंगे। चलें, हम चेन्नई एवेन्यू पे आ चुके हैं और बारिश आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बारिश हुई भी है और अभी भी हो रही है। दोस्तों हम आ गए हैं अपने फेवरेट सितारा हिलाल रेस्टोरेंट के ऊपर, जो कि बहरिया से निकल के जब हम घर की तरफ जाते हैं तो हमें हाईवे पे मिलता है, तो यही हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं तो ज़रूर हम यहाँ की कढ़ाई ज़रूर खाते हैं। तो अभी भी हम यहाँ रुक गए हैं, भूख भी लग रही है, दोपहर में भी खाना कुछ नहीं खाया है, तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो अभी हम यहाँ नीचे बैठ गए हैं, चलें खाना आता है फिर आपको दिखाते हैं। और इस रेस्टोरेंट का लुक कुछ इस तरह से दिखता है, अगर आप पिछले व्लॉग में जाके देखेंगे मेरे, तो कुछ एक व्लॉग मैंने इसके ऊपर भी बनाया था जब हम रात में यहाँ खाने पर आए थे, रात का लुक कुछ और दिखता है और दिन का लुक कुछ और है,
तो हम अभी ऊपर नहीं बैठे, आज हम यहाँ नीचे ही बैठे हैं चेयर्स के ऊपर। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, काफ़ी लोग आए हुए हैं और मगरिब का टाइम होने वाला है, तकरीबन आधा घंटे रहिए मगरिब के अंदर। ये हाईवे है और यहाँ हम बैठ गए हैं फैमिली के साथ, और ये हमारी कढ़ाई आ चुकी है, पिशावरी कढ़ाई, और ये दाल मंगवाई है और ये रोटी। चलें खाना शुरू करते हैं। और ये खाने के बाद हमने चाय मंगवा ली, बड़ी शानदार चाय होती है। चाय पीने के बाद घर की तरफ निकलते हैं। चलें दोस्तों अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। खाना हमने खा लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमेशा की तरह बहुत ही मज़ेदार था और चाय बहुत ही मज़ेदार थी, और उसके बाद अब बस अब घर निकलते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको चर्पी बर्ड ब्लॉग के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा आपको पैरेट लगा। तो चलें मिलते हैं अब एक नए व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।